हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, अगर आपका विंडोज 10 ऑटोमेटिकली रिबूट हो रहा है और बार बार आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आप कुछ काम कर रहे होते हो, कुछ जरूरी काम कर रहे होते हो, तो उस बीच भी आपका सिस्टम है वो एकदम रिस्टार्ट हो जाता है, वो क्यों होता है, वो उसके क्या कारण है और उसको कैसे फिक्स करना है, हम लोग सब इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या किसी भी सॉफ्टवेयर में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हर टाइप का आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर जो ये आपका स्टार्ट बटन है, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको रन पर जाना है, रन, ठीक है, और यहाँ पर आपको टाइप करना है REGEDIT, ओके, और यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। ये आपका फर्स्ट मेथड है फ्रेंड्स, मैं जो आपको बता रहा हूँ, तो आपको सेम एज इट इज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनको आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोकल मशीन करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इसको एक्सपेंड कर लेना है। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर के अंदर जाना है, ओके, सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ा नीचे की तरफ आना है आपको, और यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, ये माइक्रोसॉफ्ट है, यहां पर आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो यहां पर आपको एक विंडोज ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, थोड़ा नीचे की तरफ यहां पर, ओके, यहां पर आपको उसको एक्सपेंड करना है, जो ये विंडोज ऑप्शन है यहां पर आपको क्लिक करना है, यहां पर, ओके, और यहां पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू पर जाना और एक की नहीं बनाना है, क्यू की बनाना आपको, की, ओके, यहाँ पर नीचे की तरफ की आ जाएगा, इसको रिनेम करेंगे वापस से, रिनेम विंडोज अपडेट, आपको सेम एज इट इज यहाँ पर इसको टाइप करना है, ओके। अभी यहाँ पर विंडोज अपडेट के अंदर एक की नया बनाना पड़ेगा, की कैपिटल में रखना है आपको, AU, ओके, सेम एज इट इज, उसके बाद AU पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, जो ये खाली जगह है यहाँ पर राइट क्लिक और एक डिवोट 32 बिट वॉल्यूम करके की पर क्लिक करना है, ओके। यहाँ पर आपको सेम एज इट इज टाइप करना है, नो ऑटो रिबूट विद लॉग इन ऑन यूजर्स, ठीक है, आपको सेम एज इट इज यहाँ पर टाइप करना है फ्रेंड्स, याद रखना आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे कर लेंगे, डबल क्लिक कर लेना है इसके ऊपर, ठीक है, ये की है, इस पर आपको डबल क्लिक करोगे या फिर राइट क्लिक करके मॉडिफाई करोगे तो ये एक आपके पास छोटा सा डायलॉग ओपन हो जाएगा। इसका जो अभी वॉल्यूम 0 है उसको आपको करना है 1, 1 करना है यहाँ पर, और ओके बटन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद इसको कर देंगे बंद। अभी ये हो गया हमारा रजिस्ट्री का काम कंप्लीट, ओके। अभी सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, एक्सप्लोरर ओपन करना है, विंडोज एक्सप्लोरर ओपन कर लेना है, यहां पर आपको दिस पीसी पर क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज के अंदर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहां पर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पर क्लिक करना है, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्टअप एंड रिकवरी करके एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर उस पर आपको सेटिंग्स बटन पर क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट जो ये चेक बॉक्स है उसको अनचेक कर देना है आपको, और ओके बटन पर क्लिक कर देना है, ओके, यहाँ पर इसको बंद कर देंगे, ठीक है। थर्ड मेथड में आपको क्या करना है, पर CMD टाइप करना है, CMD राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर दिखेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कमांड रन करना है आपको, यहाँ पर आपको टाइप करना है GP अपडेट, और एंटर बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक कमांड और रन करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, CH
के डी एस के स्पेस सी सी कॉलन, ठीक है, और एंटर बटन पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, इधर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये ऑपरेशन इसने कंप्लीट कर चुका है और यहाँ पर आपका एक सिस्टम रिस्टार्ट करके आना है आपको, ठीक है। आपका सिस्टम ये मस्ट रिस्टार्ट करना है, आपका जरूरी है रिस्टार्ट करना। आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपका सिस्टम बार बार रिस्टार्ट हो रहा है उसके लिए आपको क्या क्या करना है। अगर आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो गया है और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक और शेयर और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।